अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस SPF स्पेशल पुलिस फोर्स 490 जिन जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था रिटर्न टेस्ट देकर आए थे तो उनको बताता चलूं कि सिंध पुलिस SPF 490 का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। रिज़ल्ट किस तरह से चेक करेंगे, अगर किसी भाई का रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा, एरर आ रहा है तो वो क्या करें, और अगर किसी भाई का कोई भी इशू आ रहा है तो वो मुझे कमेंट में बता दें। इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है हम कोशिश करेंगे कि ये इशू सॉल्व किया जाए। सबसे पहले जो है आप लोगों ने अपने मोबाइल कंप्यूटर में जो है मोबाइल या कंप्यूटर में आप लोगों ने अपने BTS की वेबसाइट खोल लेनी है। जैसे ही आप BTS की वेबसाइट खोलेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां से जो है BTS की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहां से जो है आप लोगों ने ऑल रिज़ल्ट पे जाना है। रिज़ल्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप नंबर 1 पे देखें, टॉप पर सिंध पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशल पुलिस फोर्स SPD SPF 490, ठीक है। तो यहाँ से आपने व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने लेडी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई किया था तो आप जो है यहाँ से लेडी का चेक कर सकते हैं और यहाँ से जो है मेल चेक कर सकते हैं। लड़के अपना यहाँ से चेक करेंगे और लड़कियाँ जो है अपना यहाँ से चेक करेंगे। रिज़ल्ट चेक करने के लिए आप लोगों ने डाउनलोड एंड व्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है आप लोगों ने अपना NIC नंबर पुट करना है और यहां पर आप लोगों ने अपना रोल नंबर पुट करना है जो कि आपके रिटर्न टेस्ट की स्लिप पर मेंशन था। अगर आपको रोल नंबर नहीं मिल रहा तो आप जो है PTS की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। करते हैं कि जिन लड़कों के 40 या 40 से कम नंबर हैं क्या उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, क्या SPF का जो है सबसे पहले इंटरव्यू होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जिन लड़कों ने 40 नंबर लिए हैं, 40 या 40 से ज़्यादा नंबर लिए हैं तो वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट क्लियर कर लें। सबसे पहले जो है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। देखें इस दफ़ा जो है SPF का पेपर हार्ड था। जिन लड़कों के 39 38 36 इस तरह से नंबर हैं, हो सकता है कि मेरिट गिर जाए। आप लोगों ने जो है अभी वेट करना है क्योंकि मेरिट सिंध पुलिस का जो फाइनल मेरिट होता है वो 40 होता है। जिन लड़कों के 40 नंबर आ चुके हैं वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट जो है अभी जैसे ही मैसेज मिलना शुरू होंगे तो आपको इसी चैनल पर बता दूंगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब रखना है ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो उसकी अपडेट आपको बआसानी मिल सके। अभी जो है आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट क्लियर कर लेने हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का SPF 490 का तो मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा, तब जो है आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा। अभी आप लोगों ने नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद जिन लड़कों के 39 38 नंबर हैं वो दिल छोटा ना करें। ट्रैफिक पुलिस में जॉब्स आई हुई थी उसमें अप्लाई किया है, इंशाल्लाह उसमें आपका हो जाएगा। हो सकता है शायद मेरिट गिर जाए क्योंकि पेपर जो है इस दफ़ा काफ़ी हार्ड दिया गया था। उसके अलावा जो है जिन लड़कों का रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा, वेबसाइट में एरर आ रहा है, तो ये जो है ये वेबसाइट का एरर है। इसमें जो है वेबसाइट पे काफ़ी लोड था जो कि BTS ने बताया है कि एक दो दिन में जो है ठीक हो जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपकी वेबसाइट जो है रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, तो एक से दो दिन में जो है ठीक हो जाएगा। आप बार बार चेक करते रहें, वेबसाइट पर लोड होने की वजह से वेबसाइट पर एरर आ रहा है। जैसे ही वेबसाइट ठीक हो जाएगी तो आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर उसके बाद भी आपका रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा तो आपने PTS का कॉन्टेक्ट फॉर्म भर लेना है, उन्हें बता देना है कि भाई हमने जो है रिटर्न टेस्ट दिया था लेकिन हमारा रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा, तो वो जो है आपके इस इशू को सॉल्व कर देंगे। अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म से भी आपकी बात नहीं बन रही तो PTS का कॉन्टेक्ट नंबर मैंने यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, PTS को जो है आप कॉल करके बता सकते हैं कि हमारे साथ ये इशू है, तो हो सकता है कि वो आपके इस इशू को सॉल्व कर दें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कोई वेरिफिकेशन के हवाले से अपडेट मिलती है तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।